Welcome to Rosalind Magical Stories and don't forget to like, share and subscribe. बहुत उर्सा पहले एक बड़ा सा बरगद का दरख्त दरिया के किनारे खड़ा था। इस दरख्त में एक अजीब परंदा रहता था। इस परंदे के दो सिर थे, लेकिन सिर्फ एक मादा। एक दिन जब परंदा आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहा था, इसने दरिया के किनारे पर एक सेब नमा फल देखा। परंदा नीचे उतरा, इस फल को उठाया और खाने लगा। ये सबसे मजेदार फल था जो परंदे ने कभी खाया था। क्योंकि परंदे के दो सिर थे, दूसरे सिर ने इहतिजाज किया, मैं तुम्हारा भाई सर हूं, क्यों नहीं मुझे भी ये मजेदार फल खाने दो। परंदे के पहले सिर ने जवाब दिया, खामोश हो जाओ, तुम्हें मालूम है कि हमारे पास सिर्फ एक मादा है, जो भी सिर खाए फल इसी मादे में जाएगा, लिहाजा ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सिर खाता है। मजीद ये कि मैं वो हूं जिसने ये फल पाया है, लिहाजा मुझे उसे खाने का पहला हक है। ये सुनकर दूसरा सर खामोश हो गया, लेकिन पहले सर की ये खुदगर्जी उसे बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। एक दिन जब वो उड़ रहा था, दूसरे सिर ने जहरीले फलों वाला दरख्त देखा। दूसरा सिर फौरन उस दरख्त पर उतरा और एक फल तोड़ लिया। बराह करम इस जहरीले फल को मत खाओ, पहले सर ने चीख कर कहा, अगर तुम उसे खाओगे तो हम दोनों मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही मादा है जो उसे हजम करेगा। खामोश हो जाओ, दूसरे सिर ने चीख कर कहा, क्योंकि मैंने ये फल तोड़ा है, मुझे उसे खाने का पूरा हक है। पहला सिर रोने लगा, लेकिन दूसरे सिर को परवाह नहीं थी, वो बदला लेना चाहता था। उसने जहरीला फल खा लिया, नतीजतन दोनों मर गए।